अब एक और बात बता दूं, अब से कुछ देर पहले एंटोनियो गटेरेस जो कि सेक्रेटरी है यूएन के, सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को अब ये पूरा का पूरा अटैक और ज्यादा एस्केलेट करने वाला है. आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न विद द एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन लेबनान एंड अपील फॉर एन इमीडिएट सीज फायर. और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आई कंडेम द ब्रॉडनिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट विच विद द एस्केलेशन आफ्टर एस्केलेशन. और इसी पर इसराइल की तरफ से उनको ट्वीट किया गया है और यह कहा है कि हम निंदा करते हैं कि आप अयोग्य हैं, आप चाहते तो इस बात को रोक सकते थे, इस वॉर को रोक सकते थे, लेकिन आपने महज एक ट्वीट किया है. और वो ट्वीट है 181 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 10 मिलियन इजरायली सिविलियंस पर ईरान की तरफ से दागे गए हैं. तो ये मामला अब बहुत ज़्यादा आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है. एक के बाद एक हमले यहाँ पर तो हो ही रहे हैं और ज़ुबानी हमले भी बड़ी बड़ी संस्थाओं और इसराइल के बीच शुरू हो चुके हैं. अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि हम इसराइल के साथ हैं और इसराइल को बहुत जल्द मदद पहुँचाने के लिए तैयारियाँ पूरी कर ली गई है. लेकिन एक और जो तस्वीर आई है वो तस्वीर आपको दिखा देना चाहती हूँ. ये तस्वीर आप देखिए, अभी जो बैठक चल रही है बंकर के अंदर, उस बैठक की ये तस्वीरें हैं. ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैठक की तस्वीरें हैं. और इसी बैठक की तस्वीर को आप अगर मैं ट्रांसलेट करूं, क्योंकि यहाँ पर हिब्रू में लिखा हुआ है, द चीफ ऑफ स्टाफ इज करंटली असेसिंग द सिचुएशन इन क्रिया. ये तस्वीरें हैं जहाँ पर तमाम IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं. और ये जो सेटअप है, इस तरीके का सेटअप वहाँ पर बंकर्स में होता है, तेल अवीव में, ऐसे बहुत सी जगह पर है. आपको एहसास भी नहीं होगा कि यहाँ पर IDF काम कर रही है. और वहाँ पर काम, अक्टूबर का महीना है याद कीजिए, यही वो टाइम है 7 अक्टूबर जब हमास ने इसराइल पर वहाँ के किबूत्स पर हमला किया था. और एक बार फिर आज जब हम बात कर रहे हैं, ये 1 अक्टूबर की तारीख जब ईरान इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागता है. अलग अलग इलाकों से अब तस्वीरें आने लगी है, ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया है, अब दो मोर्चों पर ये जंग जाती हुई नजर आ रही है. लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि 1500 मिसाइलों पर अब कहा जा रहा है कि इसराइल पर हमला किया गया है, 1500 मिसाइलें कही जा रही है. ये बहुत बड़ा अटैक था, 1500 मिसाइल बहुत ज्यादा है. ये इसराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये मजबूर कर देगा, वो काम नहीं कर पाएंगे. बहुत सीधी सी बात है कि जब नहीं, पर 100 से 1500 मुर्तजा, इसकी माने क्या है? मतलब इसका मतलब है कि इसराइल में जितने, ईरान में जितने मिसाइल बेस थे वो इस वक्त एक्टिव थे और वो लंबे वक्त से वो लोड किए जा रहे थे. और इस बात की खबर अमेरिका को पहले से रही होगी, लेकिन उसने आज 1 से 1.5 घंटे पहले बताया है, पहले बताया कि ईरान जो है वो मिसाइल अटैक करने वाला है. इस लिहाज से देखा जाए तो पिछले 2 महीने से ईरान से पूछा जा रहा था कि वो इस्माइल हनिया की जो हत्या है उसका जवाब कब देगा, और आज 2 महीने बाद ईरान ने यह हमला किया है. और ख़ास बात यह है कि जब हसन नसरुल्ला को मारा गया उसके बाद जो है ईरान यह हमला करने मजबूर हुआ. पर हानिया से ज्यादा नसरुल्ला को लेकर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे. ईरान शिया बहुल इलाका है, नसरुल्ला और हिजबुल्ला की जो पूरी की पूरी फौज है, आप भी जानते हैं मुर्तजा, वहाँ ये शिया जो पूरा का पूरा बहुल वो इलाका है. और ऐसे में कहा जा रहा था कि शिया को मार गिराया है वो जो जंग लड़ रहा था, और ऐसे में अगर ईरान कुछ ना करता, जैसा RSN संघ साहब कह रहे थे कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था. नीरज और जावेद भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं. नीरज, अभी कोई डिटेल आपके पास, कोई जानकारी? जावेद, उसके बाद आपका रुख करूँगी मैं. देखिए रूबिका, 1500 मिसाइल की जो खबर है वो तो थोड़ी देर पहले बेनी बेंजामिन भी एक आकलन करके बता रहे थे कि 1000 से 1500 मिसाइल के हमले हुए होंगे. पिछली बार अप्रैल में 300 मिसाइल से हमला हुआ था. देखिए पांच चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस हमले की. ईरान से अगर इसराइल का युद्ध होता है तो दो देशों के बीच ये युद्ध पहली बार होगा, क्योंकि आपने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ. लेबनान के खिलाफ इसराइल की लड़ाई नहीं है, हिजबुल्ला के खिलाफ है. यमन में हूती के खिलाफ है, यमन के खिलाफ नहीं है.
तो दो देशों के बीच पहला युद्ध होगा। दूसरी अहम बात कि थोड़ी देर पहले मुर्तजा कह रहे थे कि तेल अवीव की क्या स्थिति है। देखिए तेल अवीव तो पश्चिमी कोने पर है इजराइल के, वहां अभी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मिसाइलें गिरी जरूर है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस जो खोल दिया है, वो जानकारी एक बार फिर आपके सामने रखना चाहती हूँ। ईरान के हमले के बाद अब एयर स्पेस को खोल दिया गया।